Hello dear students, welcome back to our channel. So before starting with our today's topic, let me remind you once again, अगर आपने अब तक हमारी ज्ञान लैब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, then please click on the subscribe button. And if you like our videos, then do not forget to share it. Thank you. Let's start with our today's topic. Beginning with external genitalia. Okay, in our last lecture we discussed about the internal organs of a female reproductive system, that is oviduct, uterus and we discussed about vagina. Yeah, so these are the three internal organs that we discussed in our last lecture, and today we are going to cover the external organs of the female reproductive system. Beginning with external genitalia. External genitalia as in which is present outside the female reproductive system, okay, on the outer part of the body. So the external genitalia organs of female include parts which are external to the vagina. Vagina ke bahar jo parts present hote hain unko hum bolte hain external genitalia, okay, and they are collectively called as what? They are collectively called as vulva, which means covering or wrapping. Now suppose imagine, you really have to be imaginative about this. This is the uterus, this is the cervix, the neck region, and this is the vagina. इस वजाइना के ऊपर ऐसे स्किन की लेयर्स होती हैं विच कवर्स द वजाइना. ओके, तो इस रैपिंग को या इस कवरिंग को हम बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, विच इज ऑल्सो नोन एज वल्वा, और अनदर टर्म फॉर वल्वा इज प्यूडेंडम. सो यू हैव टू रियली मेमोराइज दीज टर्म्स. दे इंक्लूड द फॉलोइंग पार्ट्स. ये वल्वा में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था वैसे ही हम एक एक पार्ट को देखते हैं. द फर्स्ट पार्ट इज वेस्टिब्यूल. ओके, हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि वजाइना कहाँ पर प्रेजेंट होता है. वजाइना इज प्रेजेंट बिलो द सर्विक्स बट अबव द वेस्टिब्यूल. सो वॉट इज वेस्टिब्यूल? वेस्टिब्यूल इज नथिंग बट दीज लेयर्स विच आर प्रेजेंट अबव द वजाइना. सो वेस्टिब्यूल, इट इज अ मीडियन वर्टिकल डिप्रेशन ऑफ वल्वा एनक्लोजिंग द यूरेथ्रल एंड वजाइनल ओपनिंग. वट डू दिस मीन? प्लीज पे अटेंशन वेरी केयरफुली. ओके, सी, दिस इज द सर्विक्स and this is the vagina. Vagina के ऊपर मैंने क्या बोला कि ऐसे layers होती हैं. ओके, अब ये layers के नीचे ये जो opening है, अंदर से जो urethra connected है, 3D structure imagine करो कि vagina है, vagina के ऊपर skin fold है, that skin fold is known as vulva. Vulva के नीचे जो opening है, that opening or that passage is known as what? Vestibule. इट इज इंटरनली डिप्रेस्ड. इंटरनली डिप्रेस्ड मतलब अंदर की तरफ से वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड स्ट्रक्चर होता है. इट इज लाइक दिस, इट इज नॉट अ फ्लैट स्ट्रक्चर, इट इज अ डिप्रेस्ड स्ट्रक्चर. अंदर की तरफ कर्व्ड होता है वो, और यू कैन से कॉन्केव स्ट्रक्चर. ओके, देन कम्स द लेबिया माइनोरा. वॉट इज लेबिया माइनोरा? देज आर अनदर पेयर ऑफ थिन फोल्ड्स इनर टू द लेबिया मेजोरा विथ विच दे मर्ज पोस्टीरियरली टू फॉर्म फोर शेट, वाइल टूवर्ड्स एंटीरियर एंड दे कन्वर्ज इन टू अ हुड लाइक कवरिंग अराउंड द क्लिटोरिस. ओके, क्या बोला गया है? ये बहुत टेक्निकल टर्म्स यहाँ पर यूज हुए हैं. अगेन इमेजिन प्रॉपरली, दिस इज द यूटरस, दिस इज द सर्विक्स एंड दिस इज द वजाइना. वजाइना के ऊपर स्किन फोल्ड है, दिस इज द वल्वा. स्किन फोल्ड को हमने क्या बोला? वल्वा. ये वल्वा के नीचे जो डिप्रेशन है, मतलब ऐसा इमेजिन करो कि यहाँ से एक फोल्ड है, यहाँ से एक फोल्ड है, बीच में डिप्रेशन है. जो डिप्रेशन है उसको हमने बोला वेस्टिब्यूल. क्या बोला हमने? वेस्टिब्यूल. अब ये लेयर और यहाँ से जो लेयर है, ठीक है, तो ये दो लेयर्स पोस्टीरियरली मतलब पीछे की तरफ, मतलब वजाइना के ऊपर की तरफ क्या बना रहे हैं ये? दे आर मेकिंग अ स्ट्रक्चर नोन एज फोरशेट. पोस्टीरियर एंड में, पोस्टीरियर एंड एज इन व्हेन दीज टू लेयर्स आर ओवरलैपिंग ईच अदर, तो इनका ये जो पोस्टीरियर एंड है, दिस पोस्टीरियर एंड इज मेकिंग व्हाट? इट इज मेकिंग फोरशेट. एंड द एंटीरियर एंड, मतलब ये समझो कुछ ऐसा लेयर इमेजिन करो कि वजाइना के ऊपर ऐसे दो लेयर्स हैं, तो ये लेयर्स का यहाँ का ये जो दो रैपिंग लेयर्स हैं, ये लेयर्स का ऊपर वाला पार्ट, एंटीरियर वाला पार्ट, इट इज मेकिंग क्लिटोरिस, जो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है. मतलब दिस क्लिटोरिस पार्ट इज अ लिटिल एलिवेटेड. एलिवेटेड मतलब थोड़ा सा स्वोलन जैसा स्ट्रक्चर होता है. इट इज अ स्वोलन स्किन पार्ट. ओके, एंड द फोरशेट इज नथिंग बट इट इज द पोस्टीरियर पार्ट विच इज
which is making a structure which is known as fourchette, which is covering the vagina. Okay, if I explain it to you in simple terms, we are studying about external organs which are present outside vagina. So vagina ke upar jo layers hai usko humne bola vulva. दो लेयर्स के बीच का जो अंदर का डिप्रेशन है, मतलब ये एक लेयर और ये एक लेयर, इनके बीच का जो डिप्रेशन है दैट इज वेस्टिब्यूल. अब ये जो लेयर्स हैं, इन लेयर्स का जो पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर यानी कि नीचे वाला पार्ट, दैट इज मेकिंग फोरशेट. और इनका जो एंटीरियर पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, वो ना थोड़ा सा ऐसे बाहर की तरफ निकला होता है. मतलब जब दो लेयर्स ज्वाइन होती हैं, सपोज इमेजिन दिस, जब दो लेयर्स ज्वाइन होंगी तो ये लेयर्स का ऊपर वाला पार्ट जॉइंट होके ऐसे टेपरिंग पॉइंट बनाएगा और ये थोड़ा सा ऐसे बाहर की तरफ स्वेल हो जाएगा. सो दिस स्वेलन पार्ट इज नोन एज व्हाट? क्लिटोरिस. एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस क्लिटोरिस? इट इज नोन एज द अराउजल पॉइंट ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मतलब व्हाइल हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो व्हेन द क्लिटोरिस इज टच्ड और व्हेन द क्लिटोरिस इज फेल्ट, एट दैट टाइम द फीमेल sex hormone is released at its peak level. Okay, that gives the orgasm to the female. Okay, or in simple terms you can say the sexual pleasure. All right. Okay, now moving on to the next part of the external genitalia. Yeah, so here they have discussed about clitoris in detail. What is clitoris? It is a small conical and sensitive projection. Projection क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये थोड़ा सा swell हो जाता है, थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाता है, उठा हुआ structure. A structure that has risen from its surface. So the clitoris is a small conical sensitive projection lying on the anterior. यहाँ पर spelling mistake है, here E will come. Lying on the anterior end of labia minora. Labia minora means the wrappings. Labia means lips like structure. सो लोअर लिप्स या लोअर लेयर्स को लेबिया माइनोरा बोला है और अपर लेयर को लेबिया मेजोरा बोला है. ऐसे फोर लेयर्स होंगी, अंदर की तरफ दो, बाहर की तरफ दो. अंदर की तरफ दो जो छोटी हैं दे आर लेबिया माइनोरा, ऊपर की तरफ दो जो बड़ी हैं दे आर लेबिया मेजोरा. सो क्लिटोरिस किससे बनता है? अंदर की लेयर्स से. अंदर जो लेयर्स प्रेजेंट हैं लेबिया माइनोरा, उनके वजह से ऊपर वाला एंड बनता है क्लिटोरिस, नीचे वाला एंड बनता है फोरशेट. और इनके ऊपर वापस एक बड़ा सा दो लेयर्स होता है जो ये लेबिया माइनोरा को भी कवर कर देता है. मतलब अगर आप इमेजिन करो, सो दिस इज वजाइना, इनके अंदर है लेबिया माइनोरा और इसके भी ऊपर है लेबिया मेजोरा. ओके, इट हैज अ पेयर ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू. क्लिटोरिस के पास कौन से टिश्यू होते हैं? इरेक्टाइल टिश्यू. इरेक्टाइल टिश्यू इज नथिंग बट विच गिव्स इरेक्शन और विच गिव्स ऑर्गेजम टू द फीमेल. मतलब जो सेक्शुअल प्लेजर का इंडिकेशन करता है, दैट द फीमेल इज फीमेल इज लाइकिंग द सेक्शुअल इंटरकोर्स दैट इज गोइंग ऑन बिटवीन द सेक्शुअल पार्टनर्स. द कॉर्पोरा केवर्नोसा एंड इज होमोलोगस टू द पेनिस. सो जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था कि पेनिस का ग्लांस, पेनिस वाला रीजन जो होता है दैट इज वेरी सेंसिटिव एंड दैट इज इरेक्टाइल इन नेचर, वैसे ही फीमेल में क्लिटोरिस बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है एंड दैट इज द इरेक्टाइल टिश्यू इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज लेबिया मेजोरा. एज आई सेड द अपर लेयर्स. ओके, दीज आर अ पेयर ऑफ फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ स्किन फॉर्मिंग द बाउंड्री ऑफ वल्वा. ओके, वापिस बताती हूँ मैं व्हाट इज लेबिया माइनोरा एंड व्हाट इज लेबिया मेजोरा. दिस इज द वजाइना. ये वजाइना के अंदर आई विल ड्रॉ इट विथ डिफरेंट मार्कर सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू. समझो ये अंदर वाला जो लेयर्स है रेड कलर से जो मैंने ड्रॉ किया है दैट इज लेबिया माइनोरा. स्मॉल लेयर्स, दीज लेयर्स आर मेकिंग क्लिटोरिस एंड फोरशेट. इनके ऊपर थिन लेयर लेकिन बड़ी लेयर जो प्रेजेंट है विच आई विल ड्रॉ इन ब्लैक विच विल कवर द वल्वा, जो इन लेयर्स को भी कवर कर देगी. मतलब बेसिकली वजाइना को टोटली प्रोटेक्ट कर देगी. दैट इज लेबिया मेजोरा. आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू. ओके, दे आर होमोलोगस टू द स्क्रोटम. स्क्रोटम का काम क्या था? टेस्टिस को होल्ड करना. वैसे ही लेबिया मेजोरा का काम क्या है? क्लिटोरिस को होल्ड करना और वजाइना को प्रोटेक्ट करना. दे सराउंड एंड प्रोटेक्ट द अदर पार्ट्स ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया. बार बार मैं यही बोल रही हूँ कि ये सब चीज कवर कर देता है. लेबिया मेजोरा कवर्स एवरीथिंग एंड इट एनक्लोजेस द यूरेथ्रल एंड वजाइनल ओपनिंग्स इन द वेस्टिब्यूल. ओके, लेबिया मेजोरा क्या कर देगा? वो वेस्टिब्यूल को भी कवर कर देगा
और वो वजाइनल ओपनिंग को भी कवर करके रखेगा ताकि अननेसेसरी कोई भी एक्सटर्नल एजेंट अंदर ना जाए. ऑलराइट, ओके. नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज मॉन्स प्यूबिस. व्हाट इज मॉन्स प्यूबिस? इट इज अ फ्लेशी एलिवेशन अबव द लेबिया मेजोरा. द मॉन्स प्यूबिस एंड आउटर पार्ट ऑफ लेबिया मेजोरा शो प्यूबिक हेयर. तो पूरे वजाइनल रीजन में प्यूबिक हेयर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, या रिप्रोडक्टिव हेयर जो हम बोलते हैं जो एडोलेसेंस के बाद ग्रो होते हैं, मतलब व्हेन यू हिट योर प्यूबर्टी, उसके बाद आपके जेनिटल ऑर्गन्स में हेयर ग्रोथ होती है. सो ये हेयर ग्रोथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहाँ पर होगी? ओनली ऑन द आउटर साइड, आउटर रीजन, दैट इज ऑन मॉन्स प्यूबिस एंड आउटर पार्ट ऑफ द लेबिया मेजोरा. सो दीज आर द रीजन्स विच विल शो यू द प्रेजेंस ऑफ हेयर ग्रोथ. ओके, सो दिस इज what is about female reproductive systems external genitalia. Now covering the next part, that is accessory glands, which are also known as what? Which are also known as vestibular glands. Let us cover that. Okay, let me just clear the board. I hope that you are understanding it, and if not, please feel free to ask your doubts in the comment section. बट बिफोर आस्किंग आई वुड रियली अप्रिशिएट इट कि अगर आप अपना एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ लें और फिर पूछें, बिकॉज समटाइम्स आई ऑब्जर्व दैट द डाउट्स दैट यू आस्क आर गिवन डायरेक्टली इन योर टेक्स्ट बुक. मतलब ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, वन रीडिंग इज इनफ. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू रीड योर टेक्स्ट बुक्स. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज योर टेक्स्ट बुक इज लाइक योर बाइबल. इट हैज़ एवरीथिंग दैट यू वॉन्ट टू नो. इवन आई एम टीचिंग यू फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. ओके, ऑल राइट, सो लेट्स कंटिन्यू. The next part of female reproductive system is vestibular glands, or you can also call as accessory glands. And another name for it is Bartholin's glands. It is a pair of glands homologous to bulbourethral or Cowper's gland. Male में आपने देखा था left और right side से छोटे छोटे bulb जैसा structure निकल रहा था, if you remember something like this. यहाँ पर prostate gland था, एक single gland, और उसके नीचे से यहाँ पर दो ऐसे बल्ब जैसे ग्लैंड्स निकल रहे थे. तो मेल में जो कॉपर्स ग्लैंड था, सिमिलरली फीमेल में वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होता है. ओके, दे ओपन इन टू द वेस्टिब्यूल एंड रिलीज अ ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड. हमने मेल में भी पढ़ा था कि मेल्स में ये जो कॉपर्स ग्लैंड होते हैं उसका फंक्शन क्या होता है, द रिलीज स्टिकी सब्सटेंस विच हेल्प्स इन पेनिट्रेटिंग द पेनिस इनसाइड द वजाइना. एंड हियर ऑल्सो द वेस्टिबुलर ग्लैंड इज सेक्रेटिंग अ पर्टिकुलर फ्लूइड which helps proper lubrication during the sexual intercourse. मतलब जब पेनिस अंदर आए तो अंदर रफ टेक्स्चर ना हो, प्रॉपरली लुब्रिकेट हो, स्मूथ फंक्शनिंग हो, इसलिए वेस्टिबुलर ग्लैंड फ्लूइड सब्सटेंस रिलीज करता है. ओके, ऑल राइट, सो दिस वॉज अबाउट एक्सेसरी ग्लैंड. एंड नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मैमरी ग्लैंड. वॉट डू वी अंडरस्टैंड बाई मैमरी ग्लैंड? मैमरी ग्लैंड आर नथिंग बट दीज आर अ पेयर ऑफ ऑर्गन which are also known as breast. Okay, when the female chest enhances, when the female chest grows, that is known as mammary glands, which is used for feeding the child. Bacche ko doodh pilane ke liye jin organs ka use hota hai, that is known as mammary glands or breast. Accessory organs of female reproductive system for production of milk and release of milk after parturition is known as mammary glands. मतलब बच्चा पैदा होने के बाद मिल्क बनाने का काम और उसको रिलीज करने का काम किसका होता है? mammary glands का. Development of the mammary gland occurs at puberty. Breast growth कब start होती है या mammary glands develop होना कब start होते हैं? Once the female hits the puberty. मतलब एक बार female को menstrual cycle आना start हो जाए तो उसकी सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है. एंड सेकेंडरी ग्रोथ में क्या आता है? डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड्स. ओके, सो इट डेवलप्स आफ्टर द अकरेंस ऑफ द प्यूबर्टी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच हॉर्मोन्स? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. दीज टू हॉर्मोन्स आर वेरी मच इसेंशियल फॉर एनी फीमेल एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द सेकेंडरी ऑर्गन्स ऑफ अ फीमेल्स बॉडी. ओके, लैक्टोट्रॉपिक हार्मोन, दैट इज LTH, इसका नाम याद रखो. हाँ, ये बहुत बहुत काम आने वाला है आगे. एंड इट इज आस्ट इन एंट्रेंस. सो LTH, दैट इज लैक्टोट्रॉपिक हार्मोन. लैक्टोट्रॉपिक हार्मोन क्यों बोला है? क्योंकि मिल्क में कौन सा शुगर होता है? लैक्टोज शुगर. आई होप यू आर गेटिंग द लिंक. सो लैक्टोट्रॉपिक हार्मोन और प्रोलैक्टिन
helps in the development of lactiferous tubules during pregnancy. So when the female is pregnant, when she is conceiving the child, at that time the milk production starts. Jab female pregnant hai, us time pe milk produce hona start ho jata hai. So mammary glands, they enlarge in size. Okay, breast size jo hota hai, wo thoda sa increase ho jata hai, enlarge ho jata hai. Kyunki andar milk production chalu ho jata hai. But the release of milk starts only after parturation. Matlab once the child is delivered, uske baad hi release of milk start hota hai. Okay, let us have a look at the TS of mammary glands. Ki mammary gland dikhta kaise, okay? This is the TS, transverse section of a mammary gland. Okay, just have a look at it. आपका lungs, मतलब chest के नीचे वाले region में जहाँ पर rib cage होता है वहाँ से lungs connected होते हैं और lungs के ऊपर ribs, ये आपके ribs हैं. Okay, the rib cages that is present to protect your heart. Rib के ऊपर जो muscular growth होती है, that is the mammary gland, the breast I am talking about, the chest of the female. ओके सी लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस साइनस. इस साइनस से मिल्क निकलता है. ये डक्ट मिल्क कैरी करती है, कैरी करके जो ओपनिंग है वो लैक्टिफेरस साइनस है जो मिल्क को बाहर इजैक्युलेट या रिलीज कर देगी. ओके, दीज आर द ग्लैंड लोब्यूल्स विच हेल्प इन द रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन. ओके, इट इज़ द फैट विच इंक्रीजेज द साइज ऑफ द ब्रेस्ट एंड दीज आर सम लिगामेंट्स विच होल्ड द मसल टुगेदर. Pectoralis major muscle and these are another muscles which help in the stability of the mammary gland within the body. Okay, all right, I hope that you got it. The mammary glands are a pair of rounded structure. Mammary glands kaise dikhne mein hote hain, they are a rounded structure which are present in pair. There are two mammary glands, okay, two breasts present in a female's body. Present in the subcutaneous tissue of the anterior thorax. Anterior thorax मतलब क्या होता है, आपका जो vertebral column है, thoracic column, मतलब rib cage के ऊपर. Okay, so rib cage के ऊपर chest region में जो दो organs present है in round structure, that is the breast is known as the mammary gland. Okay, the anterior thorax in the pectoral region from second to sixth rib. मतलब अगर आप अपना रिब केज काउंट करें, आप अपने चेस्ट की जो ये केज बोन्स होती हैं, तो सेकेंड रिब से लेके सिक्स्थ रिब तक, मतलब अगर वर्टिब्रल कॉलम हम ड्रॉ करें और ऐसा कुछ अज्यूम करने की कोशिश करें कि पीछे आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है, आगे जो चेस्ट के बीच में यहाँ स्टर्नम है और स्टर्नम के पास जो रिब केजेस आ रहे हैं, तो सेकेंड रिब केज से लेके सिक्स्थ रिब केज तक वन मेमोरी ग्लैंड विल बी ऑन लेफ्ट एंड वन मेमोरी ग्लैंड विल बी ऑन राइट साइड ऑफ द बॉडी. ओके, these are modified sweat glands. इनको हम क्या बोलते हैं, modified sweat glands. Each mammary gland contains fatty connective tissue and numerous lactiferous ducts. हमने ऊपर ही डायग्राम में देखा कि बहुत सारे lactiferous ducts थे जो मिल्क कैरी कर रहे थे. ओके, एंड दे कंटेन वॉट, दे कंटेन अ लॉट ऑफ फैटी कनेक्टिव टिश्यू. इस वजह से ब्रेस्ट की ग्रोथ एनलार्ज होकर दिखती है. द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इंटू 15 to 20 इररेग्युलरली शेप्ड mammary lobes, each with alveolar glands and lactiferous duct. Basically यहाँ पर क्या बोला गया है, जो TS में हमने देखा कि mammary gland के अंदर आपको बहुत सारे, it is divided into irregularly shaped mammary lobes, वो जो glandular lobes हमने देखा था, which is actually producing the hormone prolactin and which is helping in the production of the milk. See, ये चीज़ हम बोल रहे हैं, we are talking about this. Glandular lobes, lung, lactiferous duct. We are talking about this diagram. Okay, this is what we are discussing. That it is made up of fatty connective tissue. It contains lactiferous duct. It contains alveolar glands. Alveolar glands, why? Because it is present just above the lungs. Okay. Alveolar glands secrete milk, which is stored in the lumen of the alveoli. The alveoli opens into the mammary tubules. अब देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. So look at it carefully. Alveolar glands, what do? They secrete milk. और ये milk कहाँ पर store होता है, alveoli के bag में. The alveoli open into mammary glands. Alveoli कहाँ पर open हो रहा है, alveoli are nothing but they are the cells of the lungs which also help in the production of milk. Okay. So they open into mammary tubules. The tubules of each lobe
ज्वाइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट. हर एक ट्यूब ज्वाइन करके क्या बनाएगी? मेमोरी डक्ट बनाएगी. मेनी मेमोरी डक्ट्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्प्यूला विच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट. ये मेमोरी डक्ट्स कनेक्ट करके क्या बनाएंगे? लैक्टिफेरस डक्ट, क्योंकि वो क्या कैरी कर रहे हैं? लैक्टोज यानी कि मिल्क. दीज कन्वर्ट्स टुवर्ड्स द निप्पल. ओके, हमने ऊपर स्ट्रक्चर देखा मेमोरी ग्लैंड का, टीएस की कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था, राइट? सो दिस इज द रीजन ऑफ निप्पल वेयर ऑल द मेमोरी डक्ट्स आर गोइंग टू अकोमोडेट, लोकेटेड नियर द टिप ऑफ द ब्रेस्ट. ये निप्पल कहाँ पर प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द ब्रेस्ट. इट इज सराउंडेड बाय अ डार्क ब्राउन कलर्ड एंड सर्क्युलर एरिया ऑफ द स्किन कॉल्ड एरियोला. निपल के आजू बाजू में जो ब्राउन कलर का एरिया होता है, एक छोटा सा पैच होता है, निपल को सराउंड करता है ऐसे. निपल के आजू बाजू में एक सर्कुलर रीजन जो होता है, जो डार्क ब्राउन कलर का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एरियोला, बिकॉज देयर इट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स. ओके, ऑल राइट, नाउ लेट अस जस्ट हैव अ लुक अबाउट द बॉक्स दैट इज गिवन ओवर हियर. ब्रेस्ट कैंसर, वॉट इज ब्रेस्ट कैंसर? ओके, वॉट आर द सिम्टम्स ऑफ अ ब्रेस्ट कैंसर? फर्स्ट सिम्टम ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज अ लंप इन द ब्रेस्ट, गांठ बन जाना. ओके, ब्रेस्ट रीजन में जब गांठ बन जाती है छोटी सी, तो वो एक पहला सिम्टम है ब्रेस्ट कैंसर का. सो इन ब्रेस्ट देर इज अ लंप, और इट इज अंडर द आर्म, आपके आर्म के अंदर, इन योर आर्म पिट्स, वेन यू फाइंड फॉर्मेशन ऑफ लंप्स, दैट इज अ सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. लंप इज पेनलेस. आप जब इस गांठ को प्रेस करेंगे तो इट विल नॉट पेन, इट इज पेनलेस. स्वेलिंग ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ ब्रेस्ट, आपके ब्रेस्ट में अचानक से कोई कोई पार्ट में स्वेलिंग हो जाएगी, दैट इज अनदर सिम्टम. स्किन इरिटेशन, ब्रेस्ट और निप्पल पेन, निप्पल रिट्रैक्शन, मतलब निप्पल श्रिंक होने लग जाएगा, रेडनेस इन योर ब्रेस्ट, स्केलीनेस, अलग ही स्किन टेक्स्चर होने लगेगा ब्रेस्ट का, और थिकनिंग ऑफ निप्पल और ब्रेस्ट स्किन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. एंड सडनली निपल में से कोई फ्लूइड डिस्चार्ज होने लग जाना, क्योंकि मैंने क्या बोला, मिल्क कब डिस्चार्ज होता है? ओनली आफ्टर डिलीवरी, ओनली आफ्टर पार्चुरेशन. उसके पहले अगर ब्रेस्ट से कोई चीज़ रिलीज हो रही है, इट इज़ अ साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. ओके, एंड हाउ कैन यू डायग्नोज इट? मैमोग्राम, दैट इज एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, MRI, बायोप्सी, ब्लड टेस्ट, एट्सेट्रा. एंड द ट्रीटमेंट फॉर इट इज रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, लंपेक्टोमी and mammoplasty. Lumpectomy means when you remove that lump. Okay, all right. What is weaning? Weaning means when mother's milk is replaced gradually by solid food after some time. This process is called weaning. You must also know ki jab bachcha thoda develop hone lag jata hai, when the child is 3 to 5 months old, to usko dheere dheere karke minimum 6 months after milk feeding बच्चे को बाहर का फूड खिलाना स्टार्ट करते हैं. ओके, इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड, वट एवर इट कैन बी, सो दैट एक्सटर्नल फूड विच इज बीइंग फेड टू द चाइल्ड इज नोन एज वीनिंग. ओके, ऑल राइट, नाउ लेट अस क्विकली हैव अ लुक एट वॉट डू वी मीन बाई प्यूबर्टी. वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन डिटेल इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. सो वॉट इज प्यूबर्टी इन मेल्स एंड वॉट इज प्यूबर्टी इन फीमेल्स? लेट मी टेल यू दिस इन वेरी सिंपल टर्म. Puberty means when the child becomes adult, or it is the beginning of adulthood in a child. जब बच्चा बड़ा हो रहा है, बचपना खत्म हो गया है, और अब उसकी body internal growth दिखाना start करेगी, that is the meaning of puberty. Okay? और puberty को पहचानने के कुछ symptoms होते हैं, secondary growth दिखाई देती है. Let's see, let's have a look. How does a puberty or sexual maturity in males look like? Puberty is the age at which the reproductive system becomes functional. Matlab, after a particular age, let's say 14 years in females when she starts her menstrual cycle, after 14 years she becomes functionally active, she can reproduce. Sex organs begin to produce gametes after puberty, kyunki hormones release ho rahe hain and sex hormones. In males, the onset matlab beginning. In males, the onset of puberty occurs at age of 12 to 15 years. Males mein ye puberty kab dekhne ko milti hai? When they are at of what age? 12 to 15 years of age, average. Under the influence of testosterone, that is male hormone,
द सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स अपियर. ओके, जब टेस्टोस्टेरोन ज्यादा रिलीज हो जाता है तो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं. हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था मेल में सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं. ग्रोथ ऑफ एडम्स एप्पल, मतलब आपका वोकल कॉर्ड स्वेल हो जाता है मेल्स का. ग्रोथ ऑफ बियर्ड, मुस्टैचेस, ओके, चेस्ट हेयर, बैक हेयर, पीठ पर बाल होना. सो दीज आर द साइंस ऑफ मैच्योरिटी इन मेल्स. ओके, एंड इट रिमेन्स फंक्शनल थ्रू आउट द लाइफ. सो द चेंजेस दैट यू सी इन अ मेल्स बॉडी आफ्टर द प्यूबर्टी, दे आर फॉर एवर. नाउ लेट्स सी वॉट इज द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ मैच्योरिटी इन फीमेल्स. ओके, लेट्स जस्ट क्विकली हैव अ लुक बिकॉज वी ऑलरेडी नो अलॉट मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस. द रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिकम्स फंक्शनल. इट इज कैरेक्टराइज बाय बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑल्सो कॉल्ड एज मेनार्क, विच यूजुअली अकर्स एट द एज ऑफ 10 to 14 ईयर्स. वी डिस्कस्ड इट. हाउएवर, अनलाइक इन द मेल्स, द मैच्योर फीमेल्स शो साइक्लिक चेंजेस इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल. नाउ दिस इज द वन थिंग दैट इज नॉट फाउंड इन मेल्स बट इज प्रेजेंट इन फीमेल्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल. इट ओनली टेक्स प्लेस इन फीमेल्स बॉडी. प्लीज मेक श्योर ऑफ दिस. ओके, वाई? बिकॉज द फीमेल बॉडी हार्बर्स एम्ब्रियो. फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन होता है, फीमेल की बॉडी में एम्ब्रियो सर्वाइव करता है, इसीलिए फीमेल की बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है. ओके, दीज साइकिल्स कंटिन्यू ओनली अप टू मीनोपॉज. और ये मेंस्ट्रुएशन कब तक चलता है? 45 to 55 ईयर्स तक, मतलब एज तक. 14 ईयर्स में स्टार्ट होगा और 55 या 45 ईयर्स के एज तक चलेगा. तो स्टार्टिंग को हम बोलते हैं मेनार्क, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. एंड व्हेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स, इट इज नोन एज मीनोपॉज. दिस नॉर्मली हैपन्स एट द एज ऑफ 45 टू 50 ईयर्स. द पीरियड फ्रॉम मेनार्क टू मीनोपॉज इज द रिप्रोडक्टिव एज ऑफ अ फीमेल. ओके, पीरियड स्टार्ट होने से लेकर पीरियड स्टॉप होने तक का जो पीरियड है, दैट इज द एक्टिव पीरियड फॉर अ फीमेल टू गेट प्रेग्नेंट. और इट इज द रिप्रोडक्टिव एज व्हेन शी कैन रिप्रोड्यूस. द फीमेल इज अनेबल टू बेयर चिल्ड्रन बाय नेचुरल मेथड आफ्टर मीनोपॉज. अगर नेचुरली फीमेल को प्रेग्नेंट होना है मीनोपॉज स्टॉप होने के बाद, तो दैट इज नॉट पॉसिबल इन नॉर्मल कंडीशंस. मेनार्क, मेंस्ट्रुअल साइकल्स एंड मेनोपॉज आर कंट्रोल्ड बाय विच हॉर्मोन्स? गोनाडोट्रॉपिक हॉर्मोन्स. एंड व्हाट आर गोनाडोट्रॉपिक हॉर्मोन्स? यस, दे आर सेक्स हॉर्मोन्स. ऑल राइट, दैट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इन फीमेल एंड टेस्टोस्टेरॉन इन मेल्स. सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड व्हाट वी डिस्कस्ड टुडे. ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आ गया है, बिकॉज टुडे वी फिनिश्ड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूडिंग द प्यूबर्टी और द मेच्योरिटी साइंस दैट आर सीन इन मेल्स एज वेल एज इन फीमेल्स. सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट क्लियरली, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इफ यू फाइंड एनीथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और इफ यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स इन आर कमेंट सेक्शन. Okay, do not hesitate or do not have any doubts in your mind. We are there to help you. And if you liked our video, then do not forget to click on the like button, share it with as many people as possible, and please click on the subscribe button if you haven't subscribed to our channel yet. Thank you. See you soon with a new topic. Thank you.